अबे भाई उठ जा, आप क्या सोते सोते स्कूल चलेगा? अबे यार ये स्कूल किसने बनवाया है? कौन सा वाला? अरे जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। वो वाला तो हमारे पापा ने ही बनवाया है। पापा भी यार, पापा को कुछ और नहीं मिला बनाने को, उनके वजह से रोज सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है। बेटा शुक्र कर पापा के स्कूल है जो तुझे लेट इंटरव्यू मिल जाती है, वरना लेट होने के बाद स्कूल जाने से बच्चे डरते हैं। बेटा जो डर गया समझो मर गया। हाँ ठीक है चल। क्या रोहित और गगन आप ही हैं? हाँ जी। एक मिनट, गर्दन टेढ़ी करना है, अपने बाइकों पर हाथ रखना, थोड़ा सा हंस, थोड़ा सा इधर देखो, पक्का यही दोनों है। आप कौन जी? इस शहर के सबसे बड़े मशहूर सेल्फी डॉन के बारे में सुना है? डॉन? नहीं क्यों? उन्होंने बुलाया आपको। क्यों, कोई प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम नहीं, बैंड बजाने। बैंड बजाने? ये क्या है? सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट? अरे इसे छोड़ो, इसे स्मेल करो प्लीज। क्यों? इसे स्मेल करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। परफ्यूम है फ्री में? हाँ हाँ। भाई हम कहाँ आ गए? भाई कौन हो तुम लोग और हमें ऐसे क्यों बांध रखा है? अरे मेरी दुनिया में इतना अंधेरा क्यों है भाई? लो बाबू, कर दिया तुम्हारी दुनिया में उजाला, अब कैसा लग रहा है? अगर भाई तुम्हारी कोई बांध के लेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी लेने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। जब दिन खराब होता है ना तो कोई भी आके ले लेता है, वैसे तो हम सबकी लेते हैं, अब आज ही देख लो तुम हमारी लेने की फिराक में बैठे हो। ओए ज्यादा जुबान मत चलाओ। अबे तुमने हम दोनों के हाथ पैर बांध रखे तो जुबान ही चलेगी ना, वैसे तुम कौन हो? अरे देवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ सेल्फी डॉन। सेल्फी प्लीज। सेल्फी डॉन नाम सुना सुना लगता है ना? नाम सुना सुना नहीं, सुना सुना लगता है। हाँ काम चिंदी चोर वाले और नाम सेल्फी डॉन। सूतिया तनिक जुबान को लगाम लगाओ, वरना ऐसा काटेंगे कि रेंग भी नहीं पाएगी, समझे? लेकिन ये नाम पहले कभी नहीं सुना हमने। क्या नाम नहीं सुना? हाथू है 11 मुल्कों की पुलिस जिसके पीछे पड़ी, और 12वें में वैसे ही बात चल रही है। जब जब गांव में बच्चा सोता नहीं तो माँ बोलती है कि बेटा सो जा वरना सेल्फी डोन आके तेरा दूध पी जाएगा। हा? तो तुम हमें मामूली बच्चा समझते हो? 15 स्कूल से निकाले गए हम, 15 स्कूल से। जिस गली से भी जाते ना उस गली की सारी लड़कियां अपनी खिड़की तक नहीं खोलती। हम दिखते हैं स्वीट स्वामी टाइप के, लेकिन है हम बड़े हरामी टाइप के। सरदार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, ये बच्चे तो आपकी टक्कर के हैं, कहीं आज आपको लेने की जगह देनी ना पड़ जाए। कैसे कैसे गधों को मैंने अपनी गैंग में शामिल कर रखा है जो इन बच्चों से डर गए। थू! हम लोगों की ले भी लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। अबे ओ लौड़े, ज्यादा बोला ना और मेरे को चोर बोला तो तेरे भेजे का सारा माल निकाल के यहीं डाल दूंगा, समझा? अरे भाई ये चलती भी है या हम जैसे बच्चों को डराने के लिए रखे हो? अबे क्या चूतिया बच्चे हो यार, कहीं गलती से ये गोली वोली चल गई ना बेटा तो तुम्हारा जो भेजा है ना वो खुल के यहाँ पड़ा होगा और तुम कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे होंगे। पर सरदार इसमें तो गोली है ही नहीं। अरे पर मैंने तो इसमें 2 गोली संभाल के रखी थी ना।
सरदार वो क्या है ना, कल राशन नहीं बचा था तो वे दो गोली मैंने निकाल के बेच दी तो 250 रुपए मिले, तो उनसे मैं आटा तेल और राशन ले आया। एकदम गधे हो तुम लोग, जिस चीज की कमाई खाते हैं उसी को बेचा है। और गधों का सरदार कौन? सबसे बड़ा गधा। सरदार लेकिन आप क्या करें? अबे सुन, इसमें गोली नहीं है, ये तुझे पता है, इन दो कमीनों को पता है, मुझे पता है, पर इन दो कमीनों के बाप को तो नहीं पता ना। एक काम करते हैं, उसी को फोन कर लेते हैं। पापा जी को फोन करने से उनका लंड भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो बुर्बक? मुझे पता है ना, वो इतने कंजूस आदमी है कि उनकी दाल में अगर मक्खी भी गिर जाए ना तो पहले वो उसको निकालेंगे, उसे निचोड़ेंगे, फिर उसको चूस के फेंक देंगे। जब अपने बच्चे की आवाज सुनाई देती है ना तो कंजूस से कंजूस बाप भी ढीला हो जाता है। ठीक है, बस तुम कुछ मत बोलना वरना इस डंडे से तुम्हारे चुत्तड़ लाल कर दूंगा। आए फोन दे। उस्ताद जी जल्दी से बात करना, इसमें बैलेंस कम है। पहले गोली बेच देता है फिर फोन में बैलेंस नहीं है, तुम चूतियों की वजह से मेरा धंधा बंद हो जाएगा, कल को मुझे भी उठा के बेच देना। हैं? अरे सुनती हो, न्यूज में आया है कि शहर में एक नया डॉन आया है, सेल्फी डॉन। लिखा है कि बड़ा आतंक मचा रखा है उसने। हमारे रोहित और गगन कहाँ है? कहीं उन्हें कोई किडनैप ना कर ले। वो दोनों तो स्कूल गए हैं, और वैसे भी कोई उन्हें क्यों ही किडनैप करेगा, और तुम कौन सा करोड़पति हो? ये लो चाय। तुम हमेशा मुझे ताने मारने लगती हो। माना कि मैं करोड़पति नहीं हूँ, पर तुम्हारा स्वीट पति तो हूँ ना। वैसे उस ड्रोन की तो शामत ही आएगी जो हमारे रोहित और गगन को किडनैप करेगा। हेलो, कौन? मैं सेल्फी डॉन बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? सेल्फी डॉन? मैं किसी सेल्फी डॉन को नहीं जानता। अबे गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं डॉन बना हूँ। कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे आशीर्वाद से डॉन बने हो? जी हाँ गुरुजी, आप ही के आशीर्वाद से बना हूँ। याद है आपको, 5 साल पहले पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया था और आपने समझाया था कि कुछ बड़ा करो। अब देखो, पॉकेट मारना छोड़ के किडनैपिंग का धंधा शुरू कर चुका हूँ। हाँ, कुछ बड़ा करने को तो बोला था, लेकिन देखो गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, और अब तो आपके लाल भी मेरे है ना कब्जे में आ चुके हैं। क्या तुमने मेरे बेटों को किडनैप कर लिया? जी गुरुजी, वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, घर का बेदी लंका ढाए। देखा, आपके समझाने के बाद आपके लाल को किडनैप करके मैं आप ही की लंका खा गया। ये कैसी मुसीबत है भाई। अब रोना धोना बंद करो गुरुजी, और जल्दी से 5 लाख रुपए मेरे ठिकाने पे भेज दो, वरना। ए भाई सेल्फी डॉन, भाई मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है यार। देखो गुरुजी, आपके बताए हुए कदमों पे चल रहा हूँ, तो आपको बोनी तो करानी पड़ेगी। पहले मेरे लाल से बात तो करवाओ। अच्छा ठीक है, ले अपने बाप से बात कर। हेलो पापा। हेलो बेटा। पापा हमें जल्दी से यहाँ से छुटकारा दिलाओ। पहले ये बता कि टीवी का रिमोट कहाँ छुपा के रखा है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। टीवी का रिमोट? अरे पापा, यहाँ हमारे जान के लाले पड़े हैं और आपको टीवी के रिमोट की पड़ी है। हेलो हेलो पापा, पापा आवाज नहीं आ रही। हेलो, लगता है फोन का बैलेंस खत्म हो गया है। तुम दोनों बाप बेटों की बातों के बीच में मेरे फोन का बैलेंस भी खत्म हो गया है। लगता है अब तुम दोनों के हार्ट, किडनी, लीवर सब निकाल के बेचना पड़ेगा। लगे यार, तुम दोनों की लुल्ली भी बेच दो, फ्रेश है, अनयूज्ड। ये क्या बक रहा है? हमने पहले ही बोला था कि हमारे पापा एक नंबर के कंजूस से कंजूस, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे थे। अब तुम दोनों का आखिरी टाइम आ गया है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है,
अब मुझे ना अपना फोन दो, मैं अपने मामा को कॉल करूंगा और वो पैसे लेके आएंगे। मामा कब आए? ठीक है ये ले दूसरा फोन, जल्दी बात करना, इसमें पैसे कम है। बेल जा रही है। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। हेलो मामू। कौन है बे जो पुलिस को मामू बोल रहा है? मामू हमें ना सेल्फी डॉन ने किडनैप कर लिया है, जल्दी से 5 लाख रुपए लेकर यहाँ आ जाओ। क्या सेल्फी डॉन? मुझे उसकी कब से तलाश थी, तुम जल्दी से एड्रेस बताओ, मैं भी आ रहा हूँ, उसकी माँ बहन कर दे। ओ भाई एड्रेस बता, मामू को बताना वो पैसे लेकर आ रहे हैं ना, इसलिए। जंग खाया तबेला, सड़ी हुई गली, नाले के पास आना है। लिखो मामू, जंग खाया हो तबेला, बाकी तो आपने सुन ही लिया होगा। हाँ सुन लिया, अभी आता हूँ। चल फोन वापस दे, इसका भी बैलेंस खत्म करेगा क्या? वैसे तुम्हारे मामू पैसे लेके आएंगे ना? आप पैसे की चिंता छोड़ो, वो आते ही होंगे। हाँ आपको आराम से थूक लगा के पूरा देंगे। क्या? अरे इसका मतलब ये है कि वो पैसे पूरा देंगे। ठीक है अगर तुम्हारे मामू नहीं आए ना तो मैं। अरे ये अगर मगर छोड़ो, अपनी बारात निकालने की तैयारी करो। बारात? किसकी बारात? अरे इतने पैसों का चार्ट डालोगे, धूमधाम से जाने की तैयारी करो, आखिर हवा भी तो खानी है। हवा? कौन सी हवा? Bring the action. हवालात की हवा सेल्फी डॉन, हवालात की हवा। बहुत परेशान किया है तूने पुलिस वालों को, चल अब तुझे हवालात की हवा खिलाता हूँ। अरे मामू की जगह पुलिस कहाँ से आ गई? हमने मामू को नहीं पुलिस वाले को फोन किया था। अरे नहीं बहनचोद, ये तो चीटिंग है, चीटिंग। चीटिंग गई तेल लेने, अब तेरी सेटिंग कराऊंगा जेल में। रुको रुको रुको, एक बार एक आखिरी सेल्फी हो जाए। स्माइल।